हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट मूवी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईटीबीपी रिक्रूटमेंट कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वैकेंसी के बारे में। तो इसका लास्ट डेट देख लीजिए, 21 जून है। चलिए हम शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, क्या क्या इसके बारे में आपको जानना है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। आप इस भर्ती से अधिक जानकारी नीचे से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये लोकेशन क्या है, इसका जॉब लोकेशन, क्योंकि सभी को फॉर्म भरने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि ये जॉब कहाँ पर है, यानी कि आपका लोकेशन क्या रहेगा जॉब का। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। आप इसे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अब वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट का नाम सबसे पहले है कॉन्स्टेबल, जो जनरल ड्यूटी में होगा, तो पोस्ट का नाम ये रहा। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितनी वैकेंसी है, तो देख लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है 121 पोस्ट है, यानी 121 पोस्ट है। जी हाँ, सुफिशियंट पोस्ट है, क्योंकि आईटीबीपी में ज़्यादा बड़ी मात्रा में पोस्ट नहीं निकलती। 200 400 500 के ही एवरेज में यहाँ पर वैकेंसी रिलीज़ होती है। तो आज भी 121 पोस्ट रिलीज़ हुई है, जो काफ़ी अच्छी है। अब पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 21,700 रुपये पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, 21,700 रुपये पर मंथ, प्लस आपको मिलेगा DHRA, जो भी आपका अलाउंस है वो अलग से आपको दिया जाएगा, और ये आपके हाथ में आएगा 21,700 रुपये अलग हर महीने। तो ये रही इसकी पे स्केल। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, शैक्षिक योग्यता क्या है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि आपको 10वीं पास। जी हाँ, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, आपको कम से कम एटलीस्ट 10वीं पास होना ज़रूरी है, 10th, उससे नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, अगर उससे ऊपर है तो कोई बात ही नहीं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, या CBT पे हो सकता है, या ऑफलाइन हो सकता है। तो ये दो मोड में आपका एग्ज़ाम किया जाएगा, CBT और ऑफलाइन, जो जो दिया जाएगा अपडेट। और उसके बाद एज लिमिट की कर लेते हैं, तो एज लिमिट देखिए, अगर आपकी एज 18 से 23 के बीच में है, यानी मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल, अगर आप 18 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और 23 साल के ऊपर के अगर एज आपकी ज़्यादा हो चुकी है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको छूट दी जाएगी, तो उसका अलग क्राइटेरिया है। फिलहाल तो आप, मैं जनरल की ही बात करूँगा, तो जनरल में देखिए 18 से 23 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। आईटीबीपी भारत की एक बेहतरीन प्रतिष्ठित पोस्ट है, जो काफ़ी लोग इसमें आवेदन करते हैं और बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है आईटीबीपी में काम करने का। अब बात करते हैं प्रोसेस, कैसे इसे अप्लाई करना है। जी हाँ, आवेदन को कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक नीचे दिया हुआ है। जी हाँ, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन नहीं। जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन आप फटाक से कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफ़े में या अपने लैपटॉप PC में, जहाँ पर आपको सुफिशेंट लगता है, आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी, जो है इसमें कितनी फ़ीस आपको देनी है। जी हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये। जी हाँ, 100 रुपये बहुत ही रेयर है, मतलब ना के बराबर ही समझ लीजिए। और अगर आप SC ST में हैं तो आपको वो भी नहीं देना है। जी हाँ, 0 रुपीज़ आपका है। SC ST वालों के लिए लगभग पूरी तरह से ये फॉर्म फ्री हो गया है। तो अगर आप ओपन में हैं तो 100, और SC ST में है तो आपको कुछ भी फ़ीस नहीं भरना है। मोड ऑफ पेमेंट जो करना है आपको, वो भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा, किसी तरह से पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके। अब डेट्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट होता है कि कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, कब और ख़त्म हो जाएगा इसका लास्ट डेट। तो स्टार्ट डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है वो 22 अप्रैल है, यानी आज 20 अप्रैल हो चुके हैं। 2 दिन के बाद से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आप जल्द से जल्द इस फॉर्म पे को भर दीजिए, ताकि ये आपको ऐसा ना हो कि अंतिम जब आप समय में भरते हैं तो वेबसाइट काफ़ी स्लो हो जाती है। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म छूट जाता है। तो मेरी सलाह हमेशा स्टूडेंट से यही रहती है कि वो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है, एटलीस्ट 1, 2, 3, 4 डेज़ के अंदर ही उस फॉर्म को फटाक से फिलअप कर दीजिए। अब लास्ट डेट की बात कर ले, तो 21 जून लास्ट डेट है, यानी कि 22 अप्रैल से स्टार्ट होकर 21 जून, तो इसका एग्ज़ाम डेट आपको एक्सपेक्टेड जो रहेगा 21 जून का लास्ट डेट है, तो ये जुलाई अगस्त, यानी कि जुलाई
और अगस्त महीने में आपका इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये रहा ये पूरा नोटिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया हूँ ATBP का। अगर आप इस फॉर्म को भरने के इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म को भर दीजिए, 22 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको कुछ इसके बारे में पूछना है, इसके प्रोसेस क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, तो हम इसके ऊपर दूसरे वीडियो बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, तब के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।